Hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to another video. I hope you all are doing great. So yeah guys, आज की वीडियो टोटली होने वाली है समर्स एसेंशियल से रिलेटेड. यस, क्योंकि समर्स स्टार्ट हो चुके हैं एंड समर्स में जो हमारी प्रेफरेंस है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाती है विंटर्स के मुकाबले. विंटर्स में जो हम चीज़ यूज़ करते हैं वो समर्स में नहीं करते. सो यहाँ पर मैं समर्स एसेंशियल्स आपके लिए लेकर आई हूँ कि आपको समर्स में अपने बॉडी, अपने स्किन केयर रूटीन में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए और समर्स में क्या क्या चीज़ें हमें पर्सनली प्रेफर करनी चाहिए. तो आज की जो ये वीडियो है, फुल डेडिकेटेड वीडियो है समर्स एसेंशियल से रिलेटेड. तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल समर्स एसेंशियल चीज़ें शेयर करने वाली हूँ. सो या विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें रैंडमली उठाऊंगी एंड दिखाऊंगी. ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसके बाद ये एंड इसके बाद ये. सो जो भी मेरे हाथ में आ जाएगा वो मैं आपको शो करूंगी. सो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ जो मेरे पास है वो है ये फेस वॉश. समर्स में या विंटर्स, समर्स हो या विंटर्स हो, फेस वॉश एक एवरीडे रूटीन है डे नाइट का एंड इसमें हमें फेस वॉश यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो फिलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ ये एम कैफीन का नेट एंड रॉ एस्प्रेसो कॉफ़ी फेस वॉश. एंड ये वाला फेस वॉश काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है. लाइक डर्ट अच्छे से क्लीन करता है आपके फेस से एंड एम कैफीन के प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है. एंड जो भी प्रोडक्ट मैं आज शो करने वाली हूँ उन सभी प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो इफ़ अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप बाय लिंक परचेज कर सकते हैं. सो यह समर्स एसेंशियल में ये मेरी फर्स्ट चीज़ है जो कि है फेस वॉश. इसके अलावा भी आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं अपने फेस को डीपली क्लीन करने के लिए. सो मैं इसके अलावा जो यूज़ कर रही थी अभी तक वो था प्लम का ग्रीन टी फेस वॉश. वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था बट मैंने ग्रीन टी से इस पर स्विच किया है एंड आई लव दिस प्रोडक्ट. एंड ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता. सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है स्क्रब. सो यहाँ पर मेरे पास दो स्क्रब के ऑप्शन हैं. फर्स्ट वन इज़ द मॉम्स्को नेचुरल कॉफ़ी क्रैनबेरी फेस स्क्रब. या ये फेस स्क्रब भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है समर्स में अपनी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाने के लिए, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के लिए, पोर्स को क्लीन करने के लिए. सो मैं फेस स्क्रब के लिए ये यूज़ करती हूँ एंड ये मॉम्स्को का जो स्क्रब है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है. मैं इसे वंस इन अ वीक यूज़ करती हूँ, एवरीडे में यूज़ नहीं करती. लाइक जब मेरा वीकली ऑफ होता है तब मैं इसे स्क्रब को यूज़ करती हूँ एंड सीरियसली जो भी डेड स्किन सेल्स एंड डस्ट होती है वो फेस से अच्छे से रिमूव हो जाती है एंड स्किन काफ़ी ज़्यादा क्लीन एंड ब्राइट दिखने लगती है. इसके अलावा जो मेरे पास नेक्स्ट स्क्रब का ऑप्शन है वो है ये एम कैफीन का नेट एंड रॉ कैपेचिनो कॉफ़ी फेस स्क्रब. एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग स्क्रब है गाइस. लाइक इसको भी आप अपने फेस पर अच्छे से स्क्रब कर सकते हो एंड एम कैफीन का जो स्क्रब है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा माइल्ड है, हार्श नहीं है, आपके स्किन पर इरिटेशन बिल्कुल भी नहीं करते. बट जो द मॉम्स्को का फेस स्क्रब है वो थोड़ा सा हार्श है, लाइक आप उसे एकदम से रब नहीं कर सकते. सो या मेरे पास ये दो ऑप्शन है. इसके अलावा आप कोई भी स्क्रब यूज़ कर सकते हैं अगर आप यूज़ करते हैं तो बट मैं फिलहाल यही दोनों यूज़ कर रही हूँ. सो गाइस जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये. सो ये है मेरे पास जिलेट वीनस का ब्रीज रेजर एंड ये मस्ट हैव है गाइस. अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए. काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, अफोर्डेबल एंड कन्वीनियंट प्रोडक्ट है. लाइक इससे ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट मुझे अभी तक कोई भी नहीं लगा. ईजिली आप अपनी स्किन से हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं, अंडर आर्म से रिमूव कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इरिटेशन के, क्योंकि ये आता है एवोकाडो फ्रेश जेल के साथ जो कि आपके हेयर्स को डीपली रिमूव करता है एंड बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होने देता स्किन पर. सो ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है गाइस एंड इसका एक सेपरेट रिव्यू वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है. सो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं. एंड अपनी बॉडी को क्लीन रखने के लिए ये भी मस्ट हैव प्रोडक्ट है. सो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं. इसके अलावा भी मार्केट में और सारे ब्रीज रेजर अवेलेबल हैं तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं. बट मुझे ये पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड आई लव दिस प्रोडक्ट. आपको पार्लर जाना ही नहीं पड़ता, इतने आप फ्री हो जाते हो. सो यार नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो वो है एक एक्सफोलिएशन जेल. सो यहाँ पर मैं वो वोटर का एडवांस जेल एक्सफोलिएशन यूज़ करती हूँ अपने फेस को क्लीन करने के लिए. लाइक जब मेरा स्क्रब करने का मूड नहीं होता एंड मुझे लगता है कि कोई सॉफ्टली चीज़ हो जिससे मैं अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करके डस्ट को रिमूव कर दूँ तो मैं इसे यूज़ करती हूँ. एंड
वन ऑफ द बेस्ट एक्सफोलिएशन जेल। सीरियसली ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है एंड आपकी स्किन को इस तरह से नरिश कर देगी, इस तरह से सॉफ्ट कर देगी डेड स्किन सेल्स और डस्ट को रिमूव करके, लाइक आपको स्क्रब वाला फील आएगा। एंड ये मेरा पर्सनली फेवरेट प्रोडक्ट है गाइज, एंड मैं इसको बहुत थोड़ा थोड़ा यूज़ करती हूँ क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा। एंड ये एक्सपेंसिव है, लाइक 500 या 600 रुपीज़ की इसकी ये डिब्बी है जो मिलती है ऑनलाइन, आप परचेज कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो आपको अपने समर्स एसेंशियल में एक एक्सफोलिएशन जेल ज़रूर ऐड करनी चाहिए। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो वो है ये मामाअर्थ का उबटन फेस मास्क विद सैफ्रन टर्मरिक एंड एप्रिकॉट ऑयल। सो आप सभी को पता है कि उबटन फेस मास्क हमारे स्किन के लिए कितना ज़्यादा अमेजिंग है, चाहे तो आप घर में बना सकते हैं, अदर देन आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। एंड मामाअर्थ के प्रोडक्ट सीरियसली काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होते हैं। इसका फेस वॉश, शैम्पू एंड हेयर ऑयल, अनियन हेयर ऑयल मैंने यूज़ किया हुआ है एंड उन सभी का सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। सो अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो वीडियो चेक कर सकते हैं। एंड ये भी बहुत ही अमेजिंग फेस मास्क है, लाइक आप फटाफट से अगर कोई फेस मास्क अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं। एंड ये स्किन ब्राइटनिंग के काम आता है, लाइक अगर आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स के मार्क्स हैं, पैचेस हैं या फिर पिगमेंटेशन है तो उसे ये ख़त्म करता है एंड आपकी स्किन को ये काफ़ी हद तक ब्राइटन अप करता है। एंड क्योंकि ये उबटन फेस मास्क है तो ये आपके स्किन टेक्स्चर को भी काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट फेस पैक की बात करें तो वो है ये गुडवाइव्स का हर्बल नीम पाउडर फेस पैक। सो ये मेरे पास रॉ नीम पाउडर है गुडवाइव्स का एंड ये मैंने काफ़ी टाइम पहले परचेज किया था एंड ये काफ़ी अमेजिंग है। लाइक अगर आपकी स्किन पर काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम है एंड छोटे 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 दाने हो रहे हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के साथ आता है एंड क्योंकि ये ओरिजिनल नेचुरल रॉ नीम लीव्स हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगी आपकी स्किन पर एंड आपकी स्किन पर कोई भी हार्म नहीं होने वाला। सो यह फेस पैक के लिए मैं इन दोनों ऑप्शंस को रखती हूँ। सो आप इसके अलावा भी कोई भी फेस पैक यूज़ कर सकते हैं बट आई लव दिस प्रोडक्ट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, तो वो है टोनर। टोनर को मैं कभी भी स्किप नहीं करती क्योंकि समर्स हैं एंड समर्स हो या विंटर्स, मैं टोनर को कभी स्किप नहीं करती। लाइक मैं ऑफिस जाने से पहले मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन अप्लाई करने से पहले, फेस को वॉश करने के बाद टोनर ज़रूर अप्लाई करती हूँ क्योंकि ये हमारी स्किन को डीपली हाइड्रेट रखता है, पीएच बैलेंस मेंटेन रखता है एंड आपके स्किन टेक्सचर को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है। सो यहाँ मेरे पास है ये गुडवाइव्स का ग्रीन टी टोनर एंड ग्रीन टी कितना इफेक्टिव है हमारे स्किन के लिए ये तो आप सभी को पता है। सो ये मेरी समर्स एसेंशियल में ऐड है। इसके अलावा जो मैं एक और टोनर यूज़ करती हूँ वो है ये भी है प्लम का ग्रीन टी एल्कोहल फ्री टोनर। दिस इज़ अमेजिंग टोनर, सीरियसली ये भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है एंड इसकी एक बॉटल मैं ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ, ये मेरी सेकंड परचेज है एंड इसमें भी मैंने यहाँ तक ख़त्म कर दिया है गाइस। एंड ये काफ़ी हद तक रिफ्रेशिंग है एंड आपकी स्किन पर बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं करती। इनफैक्ट अगर आपकी स्किन पर कोई भी दाने हो जाते हैं, छोटी सी रेडनेस वाले दाने हो जाते हैं, अगर आप उसे वहाँ पर अप्लाई कर लेंगे तो काफ़ी सूदिंग कूलिंग इफेक्ट देगा आपकी स्किन पर। एंड ये टोनर, ये दोनों टोनर ग्रीन टी वाले हैं एंड दोनों ही मैं अप्लाई करती हूँ, लाइक ये दोनों ही ऑप्शन आपके लिए हैं। इसके अलावा भी अगर आप कुकम्बर वाले यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, रोज वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप नेचुरल ग्लो का टोनर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। एंड ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है एंड ये मेरे पर्सनली फेवरेट हैं। ग्रीन टी वाले, मेरे ग्रीन टी रेंज मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड काफ़ी सूट करती है मेरी स्किन को। सो मेरे पास ये दोनों प्रोडक्ट भी काफ़ी टाइम से एंड मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। सो बात करें अगर सनस्क्रीन की तो सनस्क्रीन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये प्लम की SPF 35 PA++ ग्रीन टी डे लाइट सनस्क्रीन। दिस इज सुपर अमेजिंग सनस्क्रीन, लाइट वेट एंड काफ़ी इफेक्टिव है। ये SPF 35 है, इसके अलावा अगर आप SPF 50 PA++ वाली कोई सनस्क्रीन लेना चाहते हैं तो आप न्यूट्रोजिना की ले सकते हैं, सिंपल की ले सकते हैं एंड प्लम की भी है। सो आप काफ़ी सारी मार्केट में आप जो भी सनस्क्रीन परचेज करना चाहते हैं कर सकते हैं, बस पर्सनली मैं इसे प्रेफर करती हूँ एंड ये ऑलमोस्ट मेरी ख़त्म हो गई, मुझे मंगानी है एंड ये काफ़ी अमेजिंग है एंड इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है। लाइक ग्रीन टी, प्लम का जो ग्रीन टी रेंज है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है गाइस। मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रीन टी मेरी स्किन को काफ़ी ज़्यादा सूट करती है एंड जब से मैंने ग्रीन टी रेंज लगाना स्टार्ट किया है मेरी स्किन पर पिंपल्स की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो गई है। सो या सनस्क्रीन को भी कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए, सनस्क्रीन में समर्स हो विंटर्स हो ये मेरी
स्किन केयर रूटीन में हमेशा एड ऑन होता है, मैं इसको कभी भी स्किप नहीं करती। सनस्क्रीन काफी ज्यादा इफेक्टिव है। सो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मॉइस्चराइजर। सो यहाँ पर जो मेरा सबसे अभी तक का फेवरेट मॉइस्चराइजर है समर्स टू विंटर, वो है ये जॉनसन्स बेबी का बेबी सॉफ्ट स्किन बेबी क्रीम। एंड ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, इसकी 2 या 3 ट्यूब मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिए हैं। एंड ये मैंने अगेन परचेज किया है, मेरा रीसेंट परचेज है। इसको अप्लाई करने के बाद स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है एंड काफ़ी देर तक सॉफ्टनेस आपकी स्किन में रहती है। आपका फेस इतना सॉफ्ट एंड ग्लोई हो जाता है एंड टेक्सचर भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता है, क्योंकि ये बेबी क्रीम है तो आपकी स्किन पर बिल्कुल भी हार्म नहीं करती। सो ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट मॉइस्चराइजर क्रीम है, जिसको मैं समर्स में भी यूज़ करती हूँ, विंटर्स में भी यूज़ करती हूँ एंड वेदर कोई भी हो मैं इसको अप्लाई करती हूँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ ऑप्शंस है आपके लिए, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है या टैनिंग है। तो सो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास है ये है प्लम की SPF 50 PA++ कैमोमाइल एंड वाइट टी शीर मैट डे क्रीम। सो ये डे क्रीम है, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। ये भी एक अच्छा खासा मॉइस्चराइजर है, ये आपकी स्किन को मैट फिनिश देता है, हल्का सा वाइट कास्ट देता है आपकी स्किन पर जो मीडियम टू फेयर स्किन टोन वाले हैं वो इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसको अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन मैटिफाई हो जाती है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा नरिश, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज रहती है। सो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपनी समर्स एसेंशियल्स के अंदर। एंड इसके अलावा जो दो मैंने अभी रिसेंटली परचेज किए हैं वो है ये डॉट एंड की की एक है विटामिन C+E सुपर ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजर एंड द सेकंड वन इज डॉट एंड की स्किन केयर 72 आवर्स हाइड्रेशन जेल प्रोबायोटिक्स। सो ये दोनों मैंने परचेज किया है अपने पर्सनल प्रेफरेंस से, मेरे स्किन पर कहीं कहीं पर स्पॉट्स थे एंड मेरी स्किन अनइवन थी, सो आई थॉट कि इनको पिक किया जाए। एंड ये वाली जो क्रीम है विटामिन C+E ये आपके स्किन को ब्राइटन अप करती है एंड डार्क स्पॉट्स को लाइटन अप करती है। एंड जो ये वाली है ये 72 आवर्स डीपली हाइड्रेशन देती है, मॉइस्चराइज करती है एंड आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ग्लोई बनाती है। एंड दोनों ही क्रीम काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है गाइस, इन दोनों में से आप कोई भी परचेज करिए, आप जब भी अप्लाई करेंगे आपको एक फ्रेश फीलिंग आएगी एंड स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगेगी एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने अपने फेस पर कुछ भी लगा रखा है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। सो हम अपने स्किन केयर के अलावा अपनी हेयर को कैसे भूल सकते हैं। हेयर्स के लिए मेरे पास ये है आप लोगों के लिए, ये है स्ट्रीक्स का विटरिश ग्लॉस हेयर सीरम। दिस इज अमेजिंग सीरम गाइज। अगर आपको ऑयलिंग पसंद नहीं है, चिपचिपापन पसंद नहीं है, तो आप हेयर वॉश करने के बाद जस्ट 2-3 ड्रॉप्स इसको अप्लाई करिए एंड आपके हेयर्स देखिए काफ़ी ज़्यादा नरिश एंड स्मूथ हो जाएंगे एंड आपके जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, ये नॉन ग्रीसी हेयर सीरम है गाइस। एंड मैंने जब से इसे परचेज किया है मेरी हेयर फॉल की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो गई है, प्लस हेयर्स भी काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं। कॉम करने के बाद टैंगल्स इसमें काफ़ी कम होते हैं। सो या आप इसे भी अपनी समर्स एसेंशियल्स में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोरियल का भी सीरम ट्राई कर सकते हैं, बट मुझे ये पसंद था एंड इसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल था, सो मैंने ये वाला सीरम यूज़ किया है। तो आप इसे भी ऐड ऑन कर सकते हैं अपने समर्स एसेंशियल्स में। यहाँ पर स्किन की बात हो गई, हेयर की बात हो गई, तो हम अपने बॉडी पार्ट्स को कैसे भूल सकते हैं। बॉडी के लिए मेरे पास है यहाँ पर ये वैसलीन का इंटेंसिव केयर डीपी मॉइस्चराइजिंग विद प्योर ओट एक्सट्रैक्ट वैसलीन जेली फॉर ड्राई स्किन। सो या गाइस, समर्स हो, विंटर्स हो, रेनी सीजन हो या ऑटम हो, कोई भी वेदर हो, आप अपनी स्किन को हाइड्रेट करना कभी भी मत भूलिए। मैं इसे समर्स में भी उतना ही अप्लाई करती हूँ जितना मैं विंटर्स में अप्लाई करती हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी स्किन में ज़रा सी भी ड्राइनेस हो या स्क्रैचेस के मार्क्स पड़े, इसलिए मैं इसको कभी अवॉइड नहीं करती। एंड सीरियसली ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है एंड आई नो कि आप सभी का भी फेवरेट बॉडी लोशन वैसलीन का ही होगा। वैसलीन में और भी काफ़ी रेंजेस अवेलेबल है, तो आप उनमें से कोई भी ट्राई कर सकते हो। कोको बटर वाली भी है, बट आई लव दिस, सो मैंने ये वाली परचेज की है। तो हमें अपनी बॉडी को भी बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए।
ये थे आज के समर्स एसेंशियल्स। आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको समर्स में क्या क्या चीज़ें अपने समर्स एसेंशियल में ऐड करनी है। एंड अगर आप भूल रहे हैं कोई चीज़ तो ये वीडियो देखकर आपको याद आ जाएगा। एंड इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। सो या गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल बटन को हिट कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।